So this is the part 3 of the video Jamaican fragment. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मतलब जो राइटर है वो मतलब ट्रैम कार तक मतलब वॉक करता है सुबह, मतलब सुबह सुबह वो वॉक करता है ट्रैम घर से ट्रैम कार तक और ट्रैम से घर तक. तो वो जब वॉक करता करता ना उसे फिर मतलब टू बॉयज दिखते हैं, एक ब्लैक बॉय होता है और एक वाइट बॉय होता है. तो दोनों जो होते हैं वो एक 4 साल का होता है तो एक 5 साल का होता है. तो जो मतलब ब्लैक बॉय होता है वो उससे बड़ा होता है वाइट बॉय से. तो फिर जो ब्लैक बॉय वो 5 साल का हुआ तो वाइट बॉय हुआ 4 साल का. तो दोनों 4 और 5 ईयर्स के होते हैं. तो फिर मतलब जो कहते हैं मतलब फिर वो जो वाइट बॉय है उसको ऑर्डर दे रहा होता है ब्लैक बॉय को इंटीरियसली, जैसे एक मतलब तानाशाही, मतलब कमांड देते हैं, मतलब इंपीरियसली उसको कमांड देता है वो ब्लैक बॉय को. और ब्लैक बॉय वैसा ही करता है जैसे वो ऑर्डर देता है और उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे एक स्लेव चलते हैं किंग के पीछे वैसे ही कर रहे होते हैं. एक्चुअल में वो एक गेम खेल रहे होते हैं जिसके बारे में राइटर को बाद में पता चलता है. वो गेम होती है बॉस एंड स्लेव की. पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब वो जो दोनों बच्चे हैं कौन सी गेम खेल रहे थे, ब्लैक बॉय और व्हाइट बॉय. तो उसका आंसर आएगा बॉस एंड स्लेव की गेम खेल रहे थे. तो वो ना मतलब सारा दिन इस बात में कंफ्यूज्ड रहता है कि मतलब जो ब्लैक बॉय है कि मतलब जो व्हाइट बॉय है उसके ऊपर मतलब अपने ऑर्डर्स दे रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रहा है, भी उसके ऑर्डर्स मान क्यों रहा है ब्लैक बॉय. और फिर वो सोचता है कि इतनी छोटी उम्र में ये एहसास हो गया ब्लैक बॉय को कि मतलब हमने तो सिर्फ व्हाइट मैन व्हाइट पीपल्स के गुलाम ही रहना है. और जो व्हाइट बॉय है उसको इतनी छोटी उम्र में ये एहसास हो गया कि उसने सिर्फ बड़ा लोगों पर राज करने के लिए होता है. हमने अब तक यही पढ़ा था, आगे हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फॉर अ होल डे आई पजल्ड ओवर दिस प्रॉब्लम. राइटर कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन इस प्रॉब्लम लेके पजल्ड रहा, यानी उलझा रहा. कि दी प्रॉब्लम लेके व्हाइट बॉय और ब्लैक बॉय दी प्रॉब्लम्स नु लेके कि मतलब जेडी बॉस ते स्लेव दी गेम खेल रहे हैं कि मतलब हले तो राइटर नु पता नहीं ना कि वो बॉस ते स्लेव दी गेम खेल रहे हैं. उसनु वो ये सोच रहा है कि आखिर वो अपने ऑर्डर्स क्यों दे रहा है, आखिर जेडा ब्लैक बॉय है उसके ऑर्डर्स क्यों मान रहा है. फॉर अ होल डे माई फेथ इन माई पीपल वॉज शेकन. पूरा दिन जेड़ा मेरा विश्वास है लोगों विच वो शेकन होंदा गया. When I passed that afternoon, the little boys were not there. जो मैं दोपहर विच निकलिया तो मैं देखिया उत्थे जेड़े लिटल बॉयज सी व्हाइट बॉय ते ब्लैक बॉय उत्थे नहीं सी. That evening I thought deeply on the subject. उस शाम नूं मैं इस सब्जेक्ट बारे बहुत सोचिया कि दे सब्जेक्ट बारे व्हाइट बॉय बारे और ब्लैक बॉय बारे. द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज वर देयर अगेन. अगली सुबह जेड़े दोनों बॉयज थे फिर उठे सी. एंड अ मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट वॉचिंग देम. तो एक आदमी सी जेड़ा गेट ते खड़िया सी ते उन्हां दोनों बच्चे नूं देख रहा सी, व्हाइट बॉय नूं ते ब्लैक बॉय नूं. I stopped and looked. मैं रुकिया ते मैंने देखिया just to see what the white boy was making his little servant do. सिर्फ एह देखन वास्ते कि जेड़ा white boy है उस मतलब छोटे बच्चे नूं अपना servant बनान ली की कर रहा है, यानी अपना नौकर बनान ली की कर रहा है. To my utter astonishment, the little dark boy was striding imperiously up and down the lawn. मैनू यह देख के हैरानी हुई. एटोनिशमेंट का मतलब है हैरानी होना कि जो लिटल डार्क बॉय है जो स्ट्राइडिंग है ए स्ट्रॉड की सैकेंड फॉर्म होंगी स्ट्राइड स्ट्रॉड स्ट्राइड स्ट्राइड उस तो ये बने स्ट्राइडिंग. स्ट्रॉड का मतलब होंगे लंबे लंबे पग लेके तुरना. तो मतलब जो लिटल डार्क बॉय लंबे लंबे पग लेके तुर रहा है, मतलब जिवें एक राजा तुरद
ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਸਲੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਇੰਪੀਰੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਫੇਰਿਸਿਸ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਦਾ ਲੋਨ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਈਲ ਦਾ ਵਾਈਟ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਕਡ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਤੁਰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਬੋਏ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਟ ਮੀ ਅ ਬਨਾਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਦਿਓ। ਦ ਲਿਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਰੈਨ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਰੀ ਅਪੀਅਰ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਵਿਦ ਅ ਬਨਾਨਾ। ਲਿਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸਦੇ ਲਈ, ਬਲੈਕ ਬੋਏ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਟ ਫੋਰ ਮੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛਿੱਲੋ ਬਨਾਨੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਛਿੱਲਤਾ। ਦ ਲਿਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਸਕਿੰਡ ਦ ਬਨਾਨਾ ਐਂਡ ਹੈਂਡਡ ਇਟ ਟੂ ਹਿਸ ਡਾਰਕ ਮਾਸਟਰ। ਲਿਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬਨਾਨੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ। I saw it now. This was indeed a game I had played as a child. मैंने देख लिया कि पक्का एक गेम है। ओह गेम जेडी मैं बचपन विच खेडदा करदा सी। एक कौन कह रहा राइटर कि ओह गेम जेडी राइटर जेड़ा बचपन विच खेडदा करदा सी। Each boy took it in turn every alternate day to be the boss. ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ alternate day ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜੇ slave ਤੇ boss ਬਣਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ alternate day ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ boss ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ slave ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ slave ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ alternate day ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੋਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੋਸ ਐਂਡ ਸਲੇਵ ਸੀ। ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਗ੍ਰੇਟ ਫਨ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਫਨ ਸੀ, ਮਸਤੀ ਭਰੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਸਮਾਈਲਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰਡ, ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਦ ਮੈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਏ ਦ ਗੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਾਈਟ ਮੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਸੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਵਟ ਆਈ ਹੈਡ ਥੋਟ ਯਸਟਰਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਾਇਕਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਬਲੈਕ ਬੋਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੋਏ ਲਈ ਮਤਲਬ